सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच यूक्रेन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इस बीच वहाँ के एयरपोर्ट सील्ड हो गए थे, वहाँ से आना बहुत इम्पॉसिबल हो चुका था, पर हमारी सरकार मोदी जी और उनकी टीम ने पूरा सहयोग दिखाया और मेरे जो कलीग्स फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल वापस घर लेके आए। ये हमारे लिए बहुत हमारे पेरेंट्स के लिए मतलब हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे इस चीज के लिए। सरकार ने मदद तो देखी काफी करी, बिना उनकी मदद के ये सब पॉसिबल तो था नहीं। ऐसे एकदम से इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज का वीजा नॉर्मल फ्री करवा देना, फिर वहाँ से इतने एक दिन में दो दो तीन तीन हज़ार बच्चों को लेके आना, इवैक्यूएट करना, कोई मजाक तो है नहीं। और रही बात बाकी कंट्रीज़ की, तो मैं बस इतना कहूँगा कि पाकिस्तान के बच्चे भी इंडिया का फ्लैग यूज़ कर रहे थे इवैक्यूएट होने के लिए। हम भी जो हमारे मोदी जी ने मिशन गंगा चलाया है उसके थ्रू वापस आए इंडिया, हमारे लिए वहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। मोदी जी ने जितना करा हम उसके उनके बहुत भागीदारी हैं, दोनों जितनी फ्लाइट चलाई फ्री, जितना जितना हमें लोगों ने मदद करी आके, बाकी कंट्रीज़ वाले लोग भी हमारे साथ हमारे तिरंगे में आके मतलब हमारे तिरंगे के पीछे खड़े हुए ताकि वो मिलिट्री वाले ने कुछ ना कहें। रशियन मिलिट्री भी जो भी हमारे मोदी जी ने उनके साथ रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे या फिर जो भी उन्होंने उनके साथ बातचीत करी है उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमें ऐसी जगह से बचा के लाए हैं, ऐसी जगह से निकाल के लाए हैं जहाँ पर मतलब आप आधे घंटे बाद ये सोच लो कि जहाँ पर हम खड़े हैं बस वहीं पर गोलियाँ चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस, बिकॉज बहुत सारे नेशन से लोग थे वहाँ पर, बट हर नेशन इतना नहीं कर रहा जितना आपने किया हमारे लिए। एक 10 घंटे की फ़्लाइट में हमें 4 बार खाना मिला, वो भी अच्छा खाना, साफ़ सुथरा। मुझे नहीं लगता किसी नेशन ने इतना कुछ हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने इंडियंस के लिए किया होगा या अपने नेशन के लिए किया होगा। हम लोगों को एम्बेसी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से काफ़ी हेल्प हुई, उस वजह से हम लोग सब सुरक्षित वापस आ पाए हैं घर पे और अब हम लोग सब घर में बैठे हैं। जिस तरह के हालात हो गए थे यूक्रेन में, लग नहीं रहा था कि बच्चे वापस आ पाएंगे, तो मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की जिसकी वजह से आज हम बच्चे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।